तीसरा टी ट्वेंटी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का एंड दिस इज द लास्ट टी ट्वेंटी ऑफ दिस सीरीज। ऑलरेडी सीरीज अफगानिस्तान जीत चुका है तो इंडिया का प्लेइंग 11 पे इसीलिए बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। शिखर धवन के जगह पे ईशान किशन आया है, राहुल चहर आया है, कुलदीप यादव के जगह पे शार्दुल ठाकुर के जगह पे अक्षर पटेल फिर से आया है। आप प्लेइंग 11 देखकर पिछले वाली प्लेइंग 11 से कंपेयर करके बता सकते हो क्या क्या चेंजेस हुआ है कमेंट सेक्शन पे। अफगानिस्तान टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया। पहला बॉल दीपक चार की तरफ से स्ट्राइक पर जाजाई, फर्स्ट बॉल ओके एच लगा एंड पहली बॉल पे भाई एज एज वेल एच का चार रन। तो मैंने आप लोगों से पूछा था नेक्स्ट सीरीज किसके साथ करा जाए, एच लगा एंड आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने कमेंट करके बोला था नेक्स्ट सीरीज भाई पाकिस्तान के साथ करो। तो नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान के साथ ही होने वाला है। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पाकिस्तान के साथ स्केड्यूल कौन सा डेट पे कौन सा वाला मैच होगा एंड इंडिया का क्या प्लेइंग 11 मतलब क्या 15 प्लेयर की स्क्वाड होने वाला है वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, यू कैन चेक ब्रो। पांच बॉल पे ऑलरेडी 12 रन बना चुका है चाचा। ओके लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर एंड अच्छा शॉट, पीछे फील्डर है एंड इस वाले वीडियो पे गाइस 30 लाइक का गोल करते हैं, फटाफट कर दो। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। एंड इस वाली वीडियो का कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना एंड यहाँ पर इनसाइड एज का चार रन फिर से भाई दूसरा ओवर का पहली बॉल पे भी मिलता हुआ। ये वाला वीडियो का कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा वाला विकेट सबसे मस्त लगता है, कौन सा वाला शॉट अच्छा लगता है, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द विकेट, शॉट फील्डिंग ऑफ द डे कमेंट करके जरूर बताना। कम से कम ये वाला मैच अगर इंडिया जीत जाए ना कम से कम व्हाइट वॉश तो नहीं होगा, शॉट अच्छा लगा है डॉट बॉल व्हाइट वॉश होना नहीं है भाई। पहला सीरीज जो था इंग्लैंड के साथ हम लोगों ने व्हाइट वॉश हुआ था। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर वो डैमेज लगा डॉट बॉल। वैसे एक भाई ने कमेंट करके बोला था इंडिया का जो परफॉर्मेंस चल रहा है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप पे साला इंडिया को क्वालिफायर ना खेलना पड़े, डोंट वरी वो नहीं होगा। दूसरा बॉल ऑफ दिस ओवर शॉट यार भाई ऑफ साइड पे फील्डर लगा के मैं लेग साइड पे गेंदबाजी कर रहा हूँ वो भी पैर पे तो चौका तो मारेगा, गुड शॉट। जाजाई स्ट्राइक पर भाई क्या शानदार बॉल था, वैसे जाजाई आउट हो सकता है। ओके उठा के शॉट मारा, पीछे फील्डर भी है लेकिन छक्का मार दिया, नाइस। तीन ओवर पे 30 रन बन चुका है, हाउस भाई प्लांब है। अब इसका पहला ओवर पे चौक 4 रन दिया था सिर्फ एंड यहाँ पर सेकेंड ओवर की पहली बॉल पे बढ़िया इन स्विंगिंग बॉल LBW आउट होता हुआ यहाँ पर गुरीबाज, बहुत शानदार बॉल था। अब इसका बॉल पड़ने के बाद क्या अंदर आया, थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर भाई ब्यूटीफुल शॉट बाय जाजाई, क्या शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया अंदर, 4 रन्स, व्हाट स्ट्रेट ड्राइव। मानना पड़ेगा यार जाजाई बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहा है, इनसाइड आउट शॉट लगाया, ओवर कवर 6 रन्स, ह्यूज 6। वैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो वार्म अप मैच हुआ था ना वहां पर भाई एरन फिंच को हर्षल पटेल ने क्या बोल्ड मारा था, आप लोगों ने देखा था कमेंट करके बताओ देखा था या नहीं देखा था, बहुत सही बॉल था। दूसरा बॉल ऑफ दिस ओवर पैर पे बॉल था, जाजाई फ्लिक कर दिया एंड चार रन, नाइस। दूसरा बॉल ऑफ दिस ओवर पीछे फील्डर है, कैच आउट हो सकता है क्या, अरे यार चार रन मार दिया। जाजाई पहला टी ट्वेंटी एंड दूसरा टी ट्वेंटी पे नहीं चला इसीलिए तीसरा टी ट्वेंटी पे बढ़िया बैटिंग कर रहा है, लेकिन ये वाला बॉल्स बहुत सही था। लास्ट बॉल भी अगर डॉट दे देना फिर तो मजा आ जाएगा, आउटसाइड भाई हाइट फैक्टर हो जाएगा, लेकिन बहुत मस्त बॉल था। राहुल चहर को बुलाया गया पहला बॉल, अबे राहुल चहर का क्या एक्शन दिया है जिसने बनाया है राहुल चहर को, ये क्या एक्शन दे दिया हो तुमने भाई, ठीक ठाक एक्शन दे देते राशिद खान वाला एक्शन दे देते, ये वाला एक्शन सही नहीं बैठ रहा है। मैं बाद में इस वाले मैच के बाद राहुल चहर का एक्शन चेंज कर दूंगा। दूसरा बॉल ऑफ दिस ओवर ओवी एच लगा, वैसे ये वाला एक्शन सही नहीं जच रहा है राहुल चहर के ऊपर, कम ऑन राहुल भाई शॉट यार, वैसे फील्डर थोड़ा सा क्लोज था उसका फायदा उठाया जाजाई, चार रन। 46 पे बैटिंग कर रहा है जाजाई एंड यहाँ पर कैच 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 6, इसी के साथ 50 कंप्लीट करता हुआ जाजाई 30 बॉल पे 52, बहुत शानदार बैटिंग। सभी फील्डर ऑफसाइड पे है एंड अक्षर पटेल इज हियर, पहला बॉल और डैम एच लगा, एक रन इजीली। थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर स्टेप आउट करके शॉट लगाया फील्डर, तब कैरी नहीं हुआ, चल अक्षर भाई एक विकेट तो ले ले, अरे भाई क्या फाइन एच लगा, स्लीप होता तो विकेट मिल सकता था बट बच गया यार। 8 ओवर पे 74 for 1, विकेट चाहिए ब्रो, विकेट नहीं गिर रहा है, अगर विकेट नहीं गिरेगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा एंड यहाँ पर डॉट बॉल। राहुल चार के ऊपर भरोसा है लेकिन एक्शन देखकर थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है मेरे को भी, लेकिन कोई ना एक्शन में बदल दूंगा, मैं कितना बार बोलूंगा ये वाला वीडियो पे मुझे पता नहीं बट ये अजीब लग रहा है एक्शन। लेट्स स्कोर राहुल भाई शॉट यार, चार रन डेफिनेटली मिल जाएगा। दीपक हुड्डा को बुलाया गया है क्योंकि पिछली मैच पे 4 विकेट लिया था, होपफुली दीपक हुड्डा आज भी कुछ करके दिखाएगा एंड यहाँ पर एक रन। हुड्डा ने अभी तक अच्छा खासा गेंदबाजी किया है, 4 बॉल पे 2 रन दिया, स्टेप आउट करके शॉट लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन्स, जाजाई अच्छा बैटिंग कर रहा है। 10 ओवर पे 89 for 1, भाई क्या शानदार बैटिंग कर रहा है अफगानिस्तान वालों, स्टेप आउट करके यहाँ पर शॉट लगाया, अबे फील्डर तक बॉल पहुंच ही नहीं रहा है यार। हुड्डा साहब देख लो यार
छक्का खाने के लिए नहीं बोला था। ओके चौका खाया, छक्का नहीं खाया। शाजा ही 70 पे बैटिंग कर रहा है, क्या सेंचुरी बना देगा? स्टेप आउट करके शॉट लगाया। अबे फील्डर तक पहुंच जाना बॉल, क्या दिक्कत है बॉल। अफगानिस्तान का 100 रन कंप्लीट हो चुका है 11 ओवर 3 बॉल पे। ग्रेट बॉल, देखो 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 दोनों बंदे को देखो, खड़े खड़े बॉल को देख रहा है। ये पकड़ सकता था लेकिन सालों ने चौका जाने दिया। क्या बताओ, दिमाग खराब कर देता है। ये वाला बॉल गंदा था, मैं मानता हूँ बॉल गंदा था। अभी देखकर लग रहा है ये वाला पिच बैटिंग पिच है, लेकिन जब इंडिया बैटिंग करेगा तब लगेगा ये वाला पिच बॉलिंग पिच है, क्योंकि उस इंडिया का तो विकेट गिरेगा ना। फोर्थ बॉल, गुड शॉट, कैच आउट हो सकता है। अबे यार बॉल एक बार के लिए तो फील्डर के पास चला जा प्लीज। अब मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जाजाई ले, क्योंकि जाजाई के बैट से अब हिटिंग हो गया नहीं, क्योंकि जाजाई का स्टैमिना पूरा जीरो हो गया। जाजाई अगर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेगा तो डॉट भी ज्यादा से ज्यादा ही होगा। जाजाई बोलता, जाजाई भी लाइक ऐसे कैसे ब्रो, अपन चौका मारेगा। हर्षल इज हियर, भाई साहब क्या बॉल है। पहला वाला बॉल ही शानदार था हर्षल का, दूसरा बॉल भी शानदार था, बट एज का 4 रन। लास्ट बॉल इस ओवर का, नहीं 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 नहीं, गुड शॉट। मैनेजर मोड पे अभी तक एक भी सेंचुरी लगा नहीं, क्या जाजाई पहला सेंचुरी लगा पाएगा मैनेजर मोड का? लेट्स सी। ओके मैंने गलती से स्किप कर दिया, उस्मान घानी बैट करने आ गया। व्हाट मैंने गलती से स्किप कर दिया। भाई जाजाई रिटायर्ड हार्ट हो गया भाई, उसका स्टैमिना डाउन हो गया इसीलिए वो रिटायर्ड हार्ट हो गया भाई। 87 रन बना के जाजाई रिटायर्ड हार्ट हो गया, बंदा सेंचुरी भी नहीं कर पाया। वो एनिमेशन में गलती से स्किप कर दिया। ओके पहली बार भाई क्रिकेट 22 पे रिटायर्ड हार्ट देखने को मिला। यार मैंने गलती से एनिमेशन स्किप कर दिया, एनिमेशन स्किप नहीं करना चाहिए था मुझे, गलती हो गया। एंड घानी आके अच्छा शाला शॉट मार दिया भाई पहली बॉल पे 4 रन। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, ओके उनसे रन नहीं बन रहा था तो इसीलिए घानी को बुलाया, पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरा बॉल पे छक्का मार दिया। 148 पे वेक, अभी भी 4 ओवर बाकी है, कैच कर ले। जब उधर फील्डर था तब उधर मार रहा था, जब उधर फील्डर लगाया तब इधर मार रहा है, दैट्स नॉट गुड। उस्मान घानी क्या स्टार्टिंग दिया है, 2 बॉल पे 10 रन, 3 बॉल पे 16 रन, क्योंकि 6 मार दिया। यही टाइम पे वो रिटायर्ड हो गया वो बंदा। भाई साहब अनदर 6, उस्मान घानी तो पेल रहा है भाई। सही टाइम पे वो वाला बंदा रिटायर्ड हार्ट हो गया एंड यहाँ पर उस्मान घानी आके पेलना स्टार्ट कर दिया। 3 ओवर का मैच बाकी है, 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अक्सर इज हेयर, स्लॉक स्विफ्ट एंड 4 रन्स, 3 बॉल बाकी है, 1 विकेट तो बनता है। बट ये जो स्टेप आउट करके 6 लगा है ना भाई, फील्डर लगाने का फायदा क्या जब ये छक्के के साथ दिल कर रहा है सिर्फ घानी। इंडिया का नया नाइटमेयर उस्मान घानी, 9 बॉल पे 35, यहाँ पर आउट हो सकता है आई थिंक। यार राहुल चाहर टेक विकेट, राहुल चाहर टेक कैच नॉट विकेट, विकेट तो दीपक हुड्डा को मिला है। इंडिया का जो नाइटमेयर था उस्मान घानी उसको आउट कर दिया भाई, उस्मान घानी का विकेट चाहिए था भाई। बढ़िया बॉल यार हुड्डा, 10 बॉल पे 35, क्या बैटिंग किया बंदे ने। जदरन आ चुका है, ओके ये भी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। यार यहाँ पर मजाक चल रहा है क्या ब्रो, तुम लोग ऐसे मार रहे हो जैसे लग रहा है मजाक चल रहा है। Another boundary, 200 तो यू ही बना देगा। अबे यार स्वीप मार रहा है, वो भी कहां से मार रहा है, मिड विकेट में से चौका निकल रहा है स्वीप। शायद ही 49 पे बैटिंग कर रहा है एंड यहां पर आया है, कौन आया है? आबिस खान। अब चला मैं बॉलर का नाम भी भूल चुका हूँ, इतना पेल रहा है ना, मेरा याददाश्त चला गया भाई। इसका भी 50 हो गया, नाइस। 199 फॉर 2, क्या ही बैटिंग, क्या ओ गुड बॉल। अभी तक सिर्फ 5 रन दिया है भाई, लास्ट बॉल क्या सही था भाई। तो यहाँ पर जाजाई हुआ है रिटायर्ड हार्ट, अदरवाइज 2 विकेट गिरा है। 200 रन बनाया अफगानिस्तान ने, 201 का टारगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। KL राहुल एंड नया ओपनर आज ईशान किशन को मौका मिला है, देखता है राहुल एंड ईशान किशन क्या करता है। फारूक स्टार्ट करेगा यहाँ पर गेंदबाजी। पहला बॉल KL राहुल स्ट्राइक पर, गुड बॉलिंग ईशान किशन स्ट्राइक पर। ओके जो पहले से इंटेंट की जरूरत है वो ईशान किशन ने बोल दिया है, अपुन भाई पहले से ही मार के खेलेगा, पहली बॉल पे छक्का मार दिया ईशान किशन, अलग ही इंटेंट के साथ शुरुआत किया है ईशान किशन का। 6 लगाया, 2 बॉल बाकी है। ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव बाय KL राहुल, कमाल लाजवाब ड्राइव, 4 रन। आज जो इंडिया इंटेंट दिखा रहा है ना ऐसे इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा। नाइस शॉट यार, क्या इंटेंट के साथ शुरुआत किया है इंडिया ने इस इनिंग्स को, पहला ओवर से भाई 16 रन। अगर इस वाली सीरीज पे पहले मैच से ही पहला T20 सेकंड T20 भी ऐसे ही इंडियन के साथ खेलता तो आज सीरीज हारने का नौ बात नहीं होता। चौथी बॉल 6 रन्स फ्रॉम ईशान किशन, ह्यूज 6 भाई,
ईशान किशन भाई वैसे खतरनाक प्लेयर तो है ही, क्या इंटेंट दिखा रहा है ईशान किशन यहाँ पर। और नाइस शॉट यार, मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेल दिया, चार रन मिल जाए तो भाई हैप्पी हो जाएंगे, या हम हैप्पी। सेकेंड बॉल नाइस कट, बहुत प्यारा स्क्वायर कट एंड फोर रन्स भाई ईशान किशन ओपी इन द चैट गाइस। क्या बैटिंग कर रहा है बंदा, क्या इंटेंट दिखा रहा है स्टार्टिंग से ही। तीन ओवर पे 36, इसीलिए राशिद खान जल्दी जल्दी आ चुका है। बट आज ईशान किशन जो इंटेंट के साथ बैटिंग करने आया है, लग तो नहीं रहा है भाई राशिद खान को भी छोड़ेगा। पहली बॉल पे चार रन मार दिया। सेकेंड बॉल एनदर स्वीप शॉट, एनदर बाउंड्री फ्रॉम ईशान किशन, दो बॉल पे दो बैक टू बैक चार रन मार दिया, वो भी राशिद खान के सामने। तीसरा बॉल पे भी मार दिया, क्या स्टार्टिंग दिया है यहाँ पर ईशान किशन ने इंडिया को भाई साहब, एकदम ड्रीम स्टार्टिंग। लास्ट बॉल है इस ओवर का, ईशान किशन तेज खेल रहा है तो इसीलिए केएल राहुल थोड़ा सा संभाल के खेल रहा है। ईशान किशन तो इंटेंट दिखा रहा है बट केएल राहुल क्या कर रहा है भगवान जाने। अरे राहुल भी बोल रहा है यार पावर प्ले का आखिरी ओवर है, चलो अपन भी थोड़ा सा हाथ खोल लेता है। गुड शॉट राहुल, आज वैसे पावर प्ले पे एक भी विकेट नहीं गवाया इंडिया ने, दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग्स। And never flat six from KL Rahul. What a six! Fourth ball, भाई hard flighted ball दे दिया। ये वाला shot खेलने की कोई ज़रूरत नहीं था राहुल। अब आएगा मजा, सुमन गिल एंड ईशान किशन दोनों youngster batting कर रहा है। अब देखते हैं कैसे intent के साथ batting करता है। पहले ball पे वैसे H लगा, एक run मिल गया। वैसे youngster का intent अलग ही होता है। हो एक घुमा दिया भाई, राशिद खान को पिल दिया यहाँ पर ईशान किशन, nice shot। तीसरा ball एज इनसाइड एज एंड चार रन निकल जाएगा, ये भी 127 रन चाहिए 80 बॉल पे। ओके ब्यूटीफुल कवर ड्राइव यहाँ पर शुभमन गिल की तरफ से देखने को मिला एंड दैट्स फोर रन्स। विकेट चाहिए इसीलिए राशिद खान से कंटिन्यू करा रहा है तीसरा ओवर भी, बट शुभमन गिल ने उसको रिवर्स स्वीप पिल दिया, चार रन बाउंड्री के बाहर चौका। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर स्टेप आउट करके शॉट लगाया, कनेक्ट ठीक से नहीं हुआ बट फिर भी आउट नहीं हुआ, सेफ जगह पे लैंड किया, दो रन यहाँ पर भी मिलेगा। 46 पे पहुंचता हुआ ईशान किशन इसी के साथ। नबीन उल हक पहला ओवर पे तीन रन दिया था, अब दूसरा ओवर लेकर आया, लेट्स सी क्या होता है। ओ ओके पहला ओवर बाउंसर डाला लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने बैकफुट पे जाके चौका मार दिया। इंडिया का 100 रन कम्प्लीट हो चुका है, नाइस वेरी वेरी नाइस। एंड उसके अगली वाले बॉल पे ईशान किशन का 50 हो गया भाई, भाई क्या शानदार 50 लगाया भाई, 27 बॉल पे 52, व्हाट ए बैटिंग बाय ईशान किशन। तो इंटेंट दिखा है ना अफगानिस्तान को, मजेदार एकदम इंटेंट भाई। वो उस्मान घानी था इंडिया के लिए नाइटमेयर, अब ईशान किशन बन गया अफगानिस्तान के लिए नाइटमेयर, अभी के लिए तो फिलहाल। चौथी बॉल हवा में शॉट एंड यहाँ पर ईशान किशन गया, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश बट ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया। ओके कोई ना, अच्छा इनिंग्स खेला है यहाँ पर ईशान किशन, इसके लिए ताली तो बनता है। 94 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, यहाँ से इंडिया ना हक दे क्योंकि आदत तो है भाई जीता हुआ मैच हारना, वो तो इंडिया का आदत है ही, मतलब मेरा मैनेजर मोट पे, अब पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। शुभमन गिल बहुत सोच समझ के बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो छक्का नहीं मारना जानता है भाई, वो भी छक्का मारना जानता है, जब मौका मिलता है तब मारता है, अदरवाइज सोच समझ के बैटिंग करता है। अब राहुल त्रिपाठी क्या करेगा वो भी देखने की बात है। शिट मैन, फर्स्ट स्वीप करने गया राहुल त्रिपाठी, ग्लव्स पे लगा एंड यहाँ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं किया, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ लिया। शुभमन गिल 46 पे बैटिंग कर रहा है एंड इस ओवर का लास्ट बॉल फुल टॉस था इसीलिए कवर के ऊपर से मार दिया, चार रन। ओके तो शुभमन गिल का भी 50 होता हुआ कंप्लीट, 33 बॉल पे 50, व्हाट ए बैटिंग बाय शुभमन गिल। 63 रन चाहिए 35 बॉल पे, नाइस शॉट दीपक हुड्डा, अब थोड़ा सा तेज तो खेलना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा संभल, मिस फील्ड, अरे नाइस, एक बराबर का जरूरत पड़ने वाला है यहाँ पर। अरे भाई अफगानिस्तान के लिए एंड इंडिया के लिए बोथ के लिए अब ये वाला ओवर किसके लिए बड़ा ओवर होने वाला है, अब वही देखने की बात है, ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा ओवर होगा या इंडिया के लिए। अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया है दिनेश कार्तिक के भी ऊपर क्योंकि सामने है ऑफ स्पिनर, इसीलिए अक्षर पटेल को बोला गया है भाई तुम जाओ जाके पीटो भाई, दिनेश कार्तिक तो बाद में फिनिशिंग टच दे ही देगा, वो डीक के द फिनिशर है। कौन अक्षर पटेल, एक छक्का, कमऑन शॉट स्ट्रेट बैट से लगाया, छक्का छक्का चला गया भाई छक्का, लास्ट बॉल पे सिक्स मार दिया अक्षर पटेल, बहुत बढ़िया फील्ड सेटअप है, इस फील्ड सेटअप के हिसाब से मारना थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अक्षर भाई को लाया गया था हिटिंग करने के लिए, लेट्स सी, दो बॉल बाकी है, एक छक्का कमऑन शिट, सिक्स मारने की कोशिश था बट मिडिल डंडा उड़ गया अक्षर पटेल का, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर। 23 बॉल पे 44 रन चाहिए, लेट्स गो दिनेश भाई, गुड स्कूप शॉट, डीके का बेहतरीन स्कूप एंड फोर रन्स, बॉल बाकी है इस ओवर में,
That's the beautiful shot by Shubman Gill. Huge 6 rounds. 17 बॉल पे 29 रन चाहिए. स्ट्रेट बैट से शॉट लगाया डीके एंड सीधा भाई सीधा चौका मारा. क्या शॉट लगाया. 16 बॉल पे 25 रन. अब लग रहा है मैच जीत जाएंगे. डीके ने क्या फिनिशिंग टच दे रहा है भाई. 6 रन्स. रशीद खान तो आ चुका है बट 2 ओवर पे सिर्फ 15 रन चाहिए. भाई आते क्या गुगली डाला रहे. कमान डीके कुछ कर देखा करके दिखा करके दिखा. 4 रन मार दिया. दिनेश कार्तिक बोलता है ओके करके दिखाता हूँ. 10 रन चाहिए 9 बॉल पे. दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन रिवर्सिप अनदर बाउंड्री फॉर दिनेश कार्तिक. करीम जन्नत आया है एंड लास्ट ओवर पे यहाँ पर 5 रन चाहिए. नाइस गुड शॉट. ज्यादा हड़बड़ी करने का कोई दिक्कत नहीं है. छक्का मारने के चक्कर में आउट भी हो सकता है तो सिंगल डबल लेकर मैच जीत जाएंगे मस्त एकदम. 3 रन चाहिए गाइस. कम ऑन यार. चलो चलो 2 रन ले लो और मैच ड्रॉ करो. 2 रन लेकर मैच ड्रॉ करो यार. अब तो 1 ही रन चाहिए. ओके कोई ना. बड़ा शॉट लगाने की कोशिश हुआ नहीं बट इस 1 रन के साथ अपुन मैच जीत चुका है. अपुन जीत चुका है मैच. व्हाइट वॉश नहीं हुआ अफगानिस्तान के साथ फॉर द इंटेंट. लेकिन अफगानिस्तान सीरीज जीत चुका है. बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्रॉम अफगानिस्तान. बट तीसरा जो T20 था भाई इंडिया ने क्या परफॉर्मेंस दिया. बट अफगानिस्तान ने 2 T20 मस्त जीत दिया परफॉर्मेंस तो जीत गया. प्लेयर ऑफ द मैच जाचा ही क्योंकि 87 बनाया रिटायर्ड हार्ट हो गया. बट मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन. शुरुआत तो भाई उसने किया. दिनेश कार्तिक ने फिनिशिंग टच बहुत मस्त किया. मिडिल ऑर्डर पे शुभमन गिल भाई सब भी मस्त बैटिंग किया यहाँ पर इंडिया की तरफ से. ओके यहाँ पर हाईस्ट रन स्कोरर है जाचा 112 रन के साथ. शाहिदी भी है 95. उस्मान घानी भी है 88. अफगानिस्तान का 3 बैट्समैन है एंड दिनेश कार्तिक है 85 रन के साथ. इंडिया का 2 है दिनेश कार्तिक एंड शुभमन गिल. ओके एंड हाईस्ट विकेट टेकर इज नबीन उल हक 8 विकेट. राशिद खान 8 विकेट. दीपक हुड्डा 5 विकेट. कुलदीप यादव 4 विकेट. कुलदीप यादव लास्ट वाला मैच खेला नहीं. एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज गोज टू राशिद खान. नाइस. ओके एज अ मैनेजर लास्ट वाला T20 से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई ईशान किशन ने जो इंटेंट दिखाया ना भाई मिडिल ऑर्डर पे शुभमन गिल. मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आई थिंक सॉल्व हो चुका है शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के वजह से. तो नेक्स्ट जो सीरीज होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है. वो होने वाला है पाकिस्तान के साथ. उसका स्केड्यूल एंड टीम का जो स्क्वाड होने वाला है वो मैं कमेंट पोस्ट पर डाल दूंगा. ये वाला वीडियो जब पब्लिक हो जाएगा हो सकता है उसके अगले दिन मैं डालूं लेकिन डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर. देख लेना जरूर. लेकिन जो भी सीरीज होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद ही. T20 वर्ल्ड कप तक अभी मैनेजर मोड की कोई भी वीडियो आने वाला नहीं है. मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ. तो अभी तक मैंने मैनेजर मोड पे टोटल 3 सीरीज खेल चुका हूँ इंग्लैंड के साथ जहाँ पर मैं पूरा वाइड वॉश हो गया. उसके बाद दूसरा सीरीज था ऑस्ट्रेलिया के साथ जहाँ पर हम 2-1 से सीरीज जीत चुके थे. तीसरा जो सीरीज था ये अफगानिस्तान के साथ था जहाँ पर 2-1 से हम लोग सीरीज हार गए. ओके चलता है. अब ये 3 टीम हो गया. अभी बाकी जितना सारे टीम है सबके साथ 1-1 सीरीज तो खेलना बनता है. अभी नेक्स्ट सीरीज होने वाला है पाकिस्तान के साथ. भाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड. फिंगर क्रॉस्ड ब्रो. तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वाले सीरीज के साथ. तब तक चैनल को लाइक नहीं किया या चैनल को लाइक कैसे होता है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना. बेल वाला बटन जरूर दबा देना तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा. एंड लाइक करो इस वाले वीडियो को. दैट्स इट. मैं मिलता हूँ छोटे में. तब तक गुड बाय.